आज हमारा देश बहुत तेजी से बदल रहा है। नई नई टेक्निकें आ गई हैं, नई नई इंडस्ट्रीज आ गई हैं, इसीलिए हमको अपने आप को अपडेट रखना बहुत जरूरी है। इसी समस्या का समाधान लेकर आती है भारत सरकार की स्किल इंडिया मिशन। आइए देखते हैं। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के अधीन कार्यरत इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया ESSCI ने CSR कार्यक्रम के तहत सैमसंग इनोवेशन कैंप्स की शुरुआत की है। नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में ESSCI की COO डॉक्टर अभिलाषा गौड़ ने श्री राजीव चंद्रशेखर, माननीय राज्य मंत्री कौशल विकास और उद्यमिता और इलेक्ट्रॉनिक्स की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है उनका मेन फ्लैगशिप प्रोग्राम है CSR के अंतर्गत में, और सैमसंग इनोवेशन कैंपस के अंदर में जो हमारे फ्यूचरिस्टिक जॉब रोल्स हैं, जैसे आजकल अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT, बिग डेटा, कोडिंग और प्रोग्रामिंग, तो ये चार मेजर प्रोग्राम हैं जिसके अंदर हम देश के अंदर ट्रेनिंग करेंगे। और फर्स्ट पायलट फेज के अंदर में 3000 बच्चों को जो है वो ट्रेनिंग दी जाएगी। ये 3000 बच्चे, लगाइए कि ये अंडर प्रिविलेज और अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट्स रहेंगे, तो दीज आर मोस्ट ऑफ द अपस्किलिंग काइंड ऑफ प्रोग्राम्स। युवाओं को ESSCI के पाठ्यक्रम के अनुसार मिश्रित कक्षा और ऑनलाइन प्रशिक्षण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा, कोडिंग और प्रोग्रामिंग के क्षेत्र में प्राप्त होगा। इनोवेशन कैंपस के तहत फ्यूचर टेक प्रोग्राम स्किल इकोसिस्टम को मजबूत करने में मदद करेगा और भारत को दुनिया की स्किल कैपिटल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। स्किल इंडिया मिशन भविष्य के तकनीकी डोमेन में युवाओं को प्रशिक्षित कर नए भारत की राह तैयार कर रहा है। हमारे सारे एपिसोड देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे YouTube चैनल आपकी बात को। दोस्तों, अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। साथ ही साथ आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। आप देख रहे हैं DD नेशनल, नए भारत का नया दूरदर्शन।